खबर है उड़ीसा के कटक से देश के कई राज्यों में कपड़ा मंडियां खुल चुकी हैं और कारोबार सामान्य हो रहा है। आगामी दिनों में रक्षाबंधन, गणेश पूजा और उसके बाद दिवाली का त्योहार है जिसकी तैयारियां व्यापारी करने लगे हैं, लेकिन उड़ीसा के बाजार अभी भी बंद होने से कपड़ा उद्यमी परेशान हो गए हैं। उन्होंने सरकार से मार्केट खोलने की छूट मिले इसकी इजाजत मांगी है। टेक्सटाइल मर्चेंट एसोसिएशन ने मंगलवार को पत्रकार सम्मेलन कर सरकार से यह गुहार लगाई है कि आगामी 1 जुलाई से कटक शहर के साथ साथ राज्य के तमाम कपड़ा व्यापारियों को कोविड गाइडलाइंस के अनुसार कपड़े की दुकान खोलने की इजाजत दी जाए। लंबे समय से ये तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने हेतु अब इस पर निर्भर कर परिवार का गुजारा करने वाले करीब 5 लाख से अधिक कर्मचारियों की हालत बदहाल हो चुकी है। GST, टैक्स, बिजली का बिल आदि भरपाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार उन्हें दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे का समय कारोबार के लिए दे ताकि वह खुद व्यापार की स्थिति में सुधार ला सकें और इस पर निर्भर करने वाले करीब 5 लाख से अधिक कर्मचारियों के परिवार की माली हालत में भी फिर से सुधार ला सकें। काम करने वाले कर्मचारी अब मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं, यहाँ तक कि रोज का चूल्हा जलाने के लिए भी अब उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रुपए न होने हेतु इन कर्मचारियों के परिवार बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक इसी तरह कपड़ा कारोबार में शामिल दुकान और गोदाम के मालिक भी आर्थिक तंगी का शिकार हो चुके हैं।